मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुर्ला ईस्ट से। कुर्ला एलआईजी का ब्रिज कनेक्ट करने वाला ब्रिज है, आप इसकी हालत देख सकते हैं। हालांकि ब्रिज तो सही है, मगर जो यहां पर क्रैक आ चुका है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है। ये यहाँ के जो कुर्ला वेस्ट के नगर सेवक है अशरफ आजमी जी के प्रयास से किया गया था। कई लाख का फंड पास करके ये ब्रिज बनाया गया था, मगर कहते हैं देखिए 2-4 साल में इस ब्रिज की हालत क्या हो चुकी है। इस ब्रिज के नीचे जो ये बनाया गया था, जो लोगों की सेफ्टी के ख्याल रखना चाहिए था, उसकी सेफ्टी का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा गया है। ये कभी भी गिर सकता है, जिसके कारण ये जो ब्रिज का पिलर है वे भी कमज़ोर हो सकता है। यहाँ पर आने जाने लोगों की परेशानी को देखते हुए बनाया गया था, मगर जो स्थानीय पूर्व नगर सेवक है वे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। उनका क्षेत्र लगता है वह यहाँ आते नहीं हैं। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर एक बार विज़िट करें और देखें कि जो धक्कादायक हो सकता है, कहीं ना कहीं इसमें एक दुर्घटना ज़रूर हो सकती है, क्योंकि पूरी तरह से झुक चुका है। काफ़ी मतलब कुछ दिन का ही बस ये मेहमान कह सकते हैं हम, बाकी गिर सकता है। अगर इसे दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता है। मैं अगर इसके पीछे दिखाना चाहूँ, कहीं ना कहीं इसकी वजह ये भी हो सकती है, इसके पीछे जो समोसे की पट्टी बनाई जाती है पूरी तरह से गर्माहट के उससे, क्योंकि ये डामर का बना है, गर्माहट के उससे पूरी तरह से नीचे जा चुका है। अब देखना ये रहेगा कि जो BMC के भ्रष्ट अधिकारी हैं और यहाँ के पूर्व नगर सेवक अशरफ आजमी जी इस पर किस तरीके से ध्यान देते हैं और इसे कब तक दुरुस्त करते हैं, ताकि एक बड़ा हादसा ना हो। कैमरा पर्सन अफजल शकील, जैन सैयद, मुंबई टीवी।